जी मैडम आप कौन पूछेगा जी, पूछो कुछ। देखिए आज हिसार जो है, आज हम आए थे आज चौधरी हरी सिंह सैनी जी जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, उनके उनका निधन हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उनकी 13वीं थी। उनकी 13वीं में शोक सभा में हम अपनी जो है अपना शोक प्रकट करने के लिए हम आए थे, और साथ में ही जो है यहाँ हिसार में आकर के चौधरी रणजीत सिंह जी जो मेरे बड़े भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चुनाव प्रचार के लिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, सभी जगह लोगों में बहुत उत्साह है मोदी जी को लेकर के। सभी चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और जो विकसित भारत का सपना उन्होंने दिखाया है हमें, उस सपने को हम सब मिलकर साकार करें। सर, लोकसभा चुनाव कितना आपने नहीं लड़ा था, इस बार पार्टी चेंज करके आए हैं, जिंदल परिवार कैसे मतलब ज्यादा बना बीजेपी द्वारा? सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत हमें आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, और ये जो है एक तरह की घर वापसी है। जब 1996 के अंदर जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र से, हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, तो तभी से जो है बहुत से जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस से, सभी से हमारे बहुत ही घरेलू संबंध हैं, और सब जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और पूरे देश के अंदर लोग जानते हैं कि जिंदल परिवार राजनीति में कोई खुद के फायदे के लिए नहीं है, वो राजनीति में लोगों के फायदे के लिए है, हरियाणा के विकास के लिए है। तो अब हमें ये लगता है कि हरियाणा का विकास और देश का विकास वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सुरक्षित है, तो इसलिए हम अपना योगदान हम नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, हम हरियाणा के विकास के लिए, हिसार के विकास के लिए, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए हम मिलजुल कर करना चाहते हैं। अभी तो देखिए, अभी तो लोकसभा के चुनावों की बात है, और लोकसभा के चुनाव के अंदर हिसार से मेरे बड़े भाई चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी यहाँ से हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरा का पूरा जो है हिसार, मैं समझता हूँ कि हिसार के अंदर एक ऐतिहासिक जीत है मेरे बड़े भाई की होगी। जो जिस समय जिस टाइम की बात हो उस टाइम की बात करें, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, और लोकसभा के चुनावों के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में हरियाणा की जनता डालेंगी। चुनावी मौसम में कांग्रेस कहती है सर कि बेरोजगारी बहुत है। जी मैम, चुनावी मौसम में सबने अपनी कमर कस ली, लेकिन अगर वही बात करें तो कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक कुछ ऐसा नहीं घोषित हो पाया, क्या लगता है क्या वजह मानते हैं? देखिए आप जो है कांग्रेस वाले ना तो मेरे से कुछ सलाह करते हैं ना मुझे कुछ बताते, ये आपको कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा कि वो कब जो है टिकट डिसाइड करेंगे, उनका ये अंदरूनी मामला है, और ये वही आपको ठीक बता सकते हैं। जैसे विपक्ष के नेता निरंतर आरोप लगाते हैं, अगर नवीन जिंदल जिंदल परिवार भाजपा में शामिल होना होता तो 6 महीने पहले, साल पहले हो सकता था, कोई ना कोई दबाव में नवीन जिंदल एक तरह से भाजपा में शामिल हो गए। देखिए जैसे मैंने कहा था पहले कि हमने जो है हिसार का पानी पिया है, हिसार के लोगों का प्यार और आशीर्वाद, हरियाणा के लोगों का प्यार और आशीर्वाद जिंदल परिवार के साथ है, तो हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। मैं ओपी जिंदल का बेटा हूं, किसी दबाव में नहीं आने वाला। मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर, जो उन्होंने विकसित भारत का सपना हमें दिखाया है उसके अंदर मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। अभय चौटाला जी आपका नाम साफ लेते हैं सर कोयला घोटाला को लेकर, और कहते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आके अब कोयला घोटाला से कोहिनूर हो चुके हैं। देखिए वो तो बड़े भाई हैं अभय चौटाला जी मेरे, तो उनके लिए तो मैं कोहिनूर पहले भी था और कोहिनूर आज भी हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उनको जो है हीरे की, अच्छे हीरे की परख उनको पता है उनको। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई सर, बेरोजगारी के लिए क्या कहेंगे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो पूरा नहीं हो पाया है, बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनको नौकरियां मिलेंगी। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का शपथ पत्र है, मोदी की गारंटी कहते हैं, उसके अंदर हर वर्ग के लिए, उसके अंदर जो है मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर रोजगार के ऊपर भी बहुत काम किया जाएगा,
और हर वर्ग के लिए उसके अंदर बहुत सी सौगातें हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि और ज्यादा नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। हर साल के आंकड़े सुसाइड के बढ़ जाते हैं उनको रोजगार ना मिलने की वजह से। सर, लोगों का जो घर का चूल्हा है वो जलना बंद हो जाता है, चिराग बुझ जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि रोजगार के ऊपर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का शपथ पत्र है उसके अंदर नौजवानों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए उसके अंदर बहुत सी अलग अलग स्कीम्स हैं जिससे कि करोड़ों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे पिछले सांसद थे बीजेपी के, लगभग 3.5 लाख मार्जिन से जीते थे और जिंदल परिवार साथ नहीं था, इस वक्त जिंदल परिवार के साथ थे, तो जीत का क्या रहने वाला है? आप हिसार की बात कर रहे हैं जी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हिसार के अंदर, पूरे हिसार संसदीय क्षेत्र के अंदर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। एक सवाल था मेरा, किसान पहले से ही आपके सभी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं जहाँ भी आप गाँव में जा, और उसके ऊपर अभी मंडी में ना तो गेहूं का उठान हो रहा है, बारदाना भी नहीं है, और जब बारिश पड़ी है तो अनाज भी खराब हो रहा है। इसके लिए कोई आपकी पार्टी, आपकी सरकार है यहाँ पर, क्या कारगर कदम उठा रहे हैं? देखिए, किसान भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और किसान भाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चौधरी साहब को बोलूँगा कि आप इसके बारे में जो है आप ज़्यादा बता सकते हैं। आपके आप जो बारिश की बात कर रहे हैं, बारिश तो नहीं, एक दिन फुहार आई थी, बारिश ने बारिश जैसे नहीं कह सकते, और इतने गर्मी में अगले दिन गेहूँ सूख गया, मछरिया चल रही है, कम्बाइन मेरे ख्याल में फसल 80% तो कट गई। और आते हैं उठान की बात करते हैं तो हरियाणा में और प्रदेशों से ज़्यादा बेहतर है, हमेशा बहुत टाइमली उठाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उठाया जा रहा है, साथ के साथ है। पर इन दिनों में जब इतना गेहूं आता है तो बम्पर क्रॉप है, उसे उठाने में 2 दिन 1 दिन लगता है। सर, अब दुष्यंत चौटाला जो है अनाज मंडी में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था ठीक करने में उन्होंने 4-4.5 साल लगा दिए, भाजपा सरकार या जो नए मुख्यमंत्री हैं उसे उस पर 1.5 महीने में मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं और विरोध करने पहुंचे थे बीजेपी। देखिए, अपोजिशन बोलोगे 4.5 साल कुछ नहीं बोले, अब सब कुछ बोलने लगे, कोई बात होगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, एक फोटो आपकी वायरल हुई थी, वीडियो जो की एक तरह से कुरुक्षेत्र में आप लोग भरी अनाज की बोरी और बस में ट्रक में डाल रहे थे, क्या कहेंगे उसे? देखिए, वो मैं वहाँ पर मंडी में था और वहाँ पर जो है जो मजदूर हैं वो बोरे उठा उठा करके रख रखे थे। मेरी शुरू से बचपन से पंगे लेने की आदत है, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखूँ, तो मैंने पहली बार ट्राई की, नहीं उठी, क्योंकि वो आसान काम नहीं है। मैं सोचा कि आसान होगा काफ़ी, वो आसान नहीं है। दूसरी बार की, दूसरी बार भी लुढ़क गया, तो फिर मैंने ठान ली कि उसको उठाना ही है। तो फिर जो है मैंने उसको तीसरी बार सोच समझ के और उसको उठाया और उसको किया, तो उसमें मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे ही कि भाई एक चीज कोई, क्योंकि मन में जो एक व्यक्ति के जो बचपना होता है मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ। अगर कुछ लगा, कुछ देखा कि अच्छा हो रहा है, मैं उसको जाकर के अपने ट्राई कर लिया, हिम्मत है कर सका कर दिया, किसी और में हिम्मत हो तो करके देख लो। आप ये तो विपक्ष में कड़क काटने की कोशिश कर रहे हैं सर खेत में? नहीं, विपक्ष करना काट रहा होगा, मैं तो उसको उठा करके जो है अपने ट्रक में डाल लिया उसको। आपने कहा था लट भी गाड़ देंगे, धुआं भी उठा देंगे, तो कितने एक लट अभी तक गड़ चुके हैं? देखिए, ये तो एक कहने का तरीका है, लेकिन कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र जो है मेरे लिए परिवार है, मेरा घर है, और वहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ सभी लोगों से एक बहुत पुराना बाबूजी का जोड़ा हुआ रिश्ता है, 30 साल पुराना रिश्ता है वहाँ पर, तो लोगों से एक बहुत ही आत्मीय रिश्ता है मेरा वहाँ पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में, जैसे हिसार के अंदर है, तो इसलिए वहाँ बहुत मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है, बाकी आप लोग ज्यादा जानते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर हम एक ऐतिहासिक जीत हम दर्ज कराएंगे। कहीं ना कहीं कहते हैं कि 10 साल का गैप था, नवीन जी 10 साल तक यहाँ पे संभालने के लिए नहीं आए, इस तरह के आरोप भी विपक्ष के नेता भी लगाए, कुछ लोग भी कहते हैं। देखिए, लोगों को तो ये लगता है जब कोई आदमी परिवार में आता है उसको ये नहीं पूछते भी कितने दिनों के बाद आया, वो जब आता है तो उसका जो है वो पूरा उनको उसको अच्छा लगता है, परिवार वालों को, इसलिए जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है। और विपक्ष के पास जब कुछ नहीं होता मेरे खिलाफ बोलने के लिए, तो इस तरह की वो अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। जैसे बाबूजी होते थे उसमें आपके साथ जाते थे वहाँ पे प्रचार के लिए, इस वक्त माता जी जाएंगे आपके प्रचार के लिए? बिल्कुल, माँ जी जो है, माँ जी मेरे से ज़्यादा मेहनत करती हैं, माँ जी को तो हमें रोकना पड़ता है, माँ जी जो है मेरे चुनाव में भी आएंगी और मेरे से ज़्यादा जो है रंजीत सिंह जी के चुनाव में वो ज़्यादा वो घूम रही हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी इनके लिए भी है, क्योंकि ये भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं चौधरी रंजीत चौटाला जी,
और इसलिए बराबर का समय वो हिसार में भी लगाएंगी और कुरुक्षेत्र में भी लगाएंगी।